हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ वर्ड्स. अब बारी है पेयर नंबर 81 की. इसका पहला लफ्ज है रिग्रेटफुल. इससे मुराद है फीलिंग और शोइंग रिग्रेट, यानी पछतावा महसूस करना, जैसे कि किसी नुकसान पर अफसोस महसूस किया जाता है और इसे उर्दू में पछताना कहते हैं. इससे मुतालिक जुमला देखते हैं. ही फेल्ट रिग्रेटफुल फॉर नॉट बीइंग विद हिज फादर इन हिज लास्ट मोमेंट्स, यानी उसे इस बात पर पछतावा महसूस हुआ कि वो अपने वालिद के आखिरी लम्हों में उनके साथ नहीं था. अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये है रिग्रेटेबल. इससे मुराद है गिविंग राइज टू रिग्रेट या अनडिज़ायरेबल, यानी कोई ऐसी सूरत हाल के जिसे देखकर पछतावा हो या अफसोस हो, यानी एक नापसंदीदा सूरत हाल. जुमला देखते हैं, इट इज़ रिग्रेटेबल दैट सो मैनी यंग पीपल आर जॉबलेस इन द कंट्री, यानी ये बहुत अफसोस की बात है कि इस मुल्क में बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं. अब देखते हैं अगला पेयर. इसका पहला लफ्ज है एस ई ए सी, जिसे मुराद है बॉडी ऑफ वाटर, यानी समुंदर, जिसके लिए बहीरा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है जब उसको किसी नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहीरा अहमर या फिर बहीरा अरब. तो इससे मुतालिक जुमला देखते हैं, टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज द अरेबियन सी, यानी पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़ है. अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये है एस डबल ई सी, यानी इससे पिछला लफ्ज जो था एस ई ए सी और एस डबल ई सी, ये दोनों हम आवाज हैं, सिर्फ स्पेलिंग और मतलब का फ़र्क है. एस डबल ई सी से मुराद है विजन, यानी बिनाई या फिर देखने की सलाहियत. इससे मुतालिक जुमला देखते हैं, आई हैव वेरी गुड साइट, आई कैन सी एवरीथिंग विदाउट ग्लासेस, यानी मेरी नज़र बहुत अच्छी है या तेज़ है, मैं बग़ैर चश्मे के भी सब कुछ देख सकता हूँ. अब देखते हैं अगला पेयर. इसका पहला लफ्ज़ है एस आई टी सिट. इससे मुराद है टू रेस्ट ऑन योर बिहाइंड, यानी नीचे बैठ जाना. इससे मुतालिक जुमला देखते हैं, प्लीज़ सिट डाउन एंड लिसन टू मी केयरफुली, बराए मेहरबानी बैठ जाइए और गौर से मेरी बात को सुनिए. अब देखते हैं अगला लफ्ज़, ये है एस ई टी सेट. पहला लफ्ज़ था सिट और ये है सेट. इससे मुराद है टू पुट इन प्लेस और एडजस्ट, यानी दुरुस्त जगह पर चीज़ों को रखना या उन्हें तरतीब देना. जुमला देखते हैं, मदर हैड सेट द टेबल फॉर डिनर, यानी अम्मी ने खाने की मेज़ सजा दी है या उसे सेट कर दिया है, यानी जब प्लेटों और चमचों वगैरह को और खाने को मेज़ पर तरतीब से रख दिया जाता है तो इसे सेट करना कहते हैं. अब देखते हैं अगला पेयर. इसका पहला लफ्ज़ है एस आई टी ई साइट. इससे मुराद है अ लोकेशन, यानी एक मखसूस जगह जहाँ पर कोई इमारत तामीर की जाती है या फिर कोई भी चीज़ या शख्स जिस जगह मौजूद होता है वो उसकी लोकेशन कहलाई जाती है. इससे मुतालिक जुमला देखते हैं, दिस इज द साइट वेयर दे विल बिल्ड अ न्यू स्कूल, यानी ये वो जगह है जहाँ पर नया स्कूल बनाएंगे, यानी वो इस मुकर्रर करदा जगह पर नया स्कूल बनाएंगे. अब देखते हैं अगला लफ्ज़, ये है एस आई जी एच टी साइट. इससे मुराद है विजुअल परसेप्शन, यानी कुव्वत बिनाई, देखने की सलाहियत. इससे मुतालिक जुमला देखते हैं, रीडिंग इन डिम लाइट कैन अफेक्ट योर आई साइट, यानी धीमी रोशनी में या कम रोशनी में पढ़ने से नज़र पर असर होता है. यानी लफ्ज़ साइट जो है उससे मुराद आई साइट भी है, तो इसे आई साइट भी लिखा जा सकता है, या फिर सिर्फ अगर साइट भी लिख दिया जाए तो इसका भी वही मतलब होता है. तो इसे एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, रीडिंग इन डिम लाइट कैन अफेक्ट योर साइट, यानी कम रोशनी में पढ़ने से नज़र पर असर पड़ता है, जिससे मुराद है कि नज़र कमज़ोर हो सकती है. इसके अलावा ये अहम बात भी समझना ज़रूरी है कि ये जो इस पेयर का पहला लफ्ज़ है एस आई टी ई साइट, इससे मुराद वेबसाइट भी लिया जाता है.
जिस तरह से आम बोल चाल में इसे इस तरह से भी कहा जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ साइट्स को सर्च किया जाता है कंप्यूटर पर और मुख्तलिफ मालूमात से मुतालिक फिर मुख्तलिफ वेब पेजेस वगैरह बने होते हैं जहाँ से वो मालूमात हासिल की जा सकती हैं, तो वो साइट्स कहलाई जाती हैं। अब देखते हैं अगला वर्ड पेयर। इसका पहला लफ्ज़ है स्टेशनरी। इससे मुराद है नॉट मूविंग या स्टिल, यानी जो चीज़ हरकत ना कर रही हो या बिल्कुल साकत हो तो उसे स्टेशनरी कहा जाता है। इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। द लेपर्ड स्टूड स्टेशनरी फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट सीज द अपॉर्चुनिटी टू पाउंस ऑन इट्स प्रे। अपॉर्चुनिटी से मुराद है मौका। तो इस जुमले में कहा जा रहा है कि चीता काफ़ी देर तक साकत खड़ा रहा जब तक कि उसने अपने शिकार पर झपटने के मौके से फ़ायदा उठाया। अब देखते हैं अगला लफ्ज़। ये भी पहले लफ्ज़ का हम आवाज़ है, इसे भी स्टेशनरी पढ़ा जाता है, स्टेशनरी। लेकिन इन दोनों में स्पेलिंग का मामूली सा फ़र्क है। पहले लफ्ज़ में लेटर एन के बाद ए आता है, जबकि इस दूसरे लफ्ज़ में लेटर एन के बाद लेटर ई का इस्तेमाल किया जाता है। और अब की बार इससे मुराद है पेपर, पेंसिल्स, इरेजर्स, एनवलप्स एंड अदर मटीरियल्स यूज्ड इन राइटिंग और ड्राइंग, यानी कागज़, पेंसिल, रबर वगैरह और लिफाफे या फिर और दूसरी चीज़ें जो होती हैं जिनका कि लिखने या फिर ड्राइंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें स्टेशनरी कहा जाता है। इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। द स्कूल इज़ गिविंग फ्री स्टेशनरी, माफ़ कीजिएगा, द स्कूल इज़ गिविंग फ्री स्टेशनरी टू द स्टूडेंट्स, यानी स्कूल तालिब इल्मों को मुफ्त स्टेशनरी दे रहा है, यानी लिखने या तहरीर करने का जो साजो सामान होता है वो स्कूल उसे स्टूडेंट्स के में मुफ्त तकसीम कर रहा है। तो ये थे चंद और पेयर ऑफ वर्ड्स। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।